बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको अशरफ बोटानिकल गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पूरी दुनिया में मुसलमान रमज़ान का त्यौहार मना रहे हैं और अनकरीब एक दो दिन रह गए हैं ईद में। तो इसी मुनासबत से नाज़रीन, हमने आज जो पौधा सेलेक्ट किया है, जो वीडियो सेलेक्ट किया आपके लिए, वो है मेहंदी का पौधा। व्यूअर्स, ये आपके सामने मेहंदी का पौधा मौजूद है। तो इसके हवाले से मैं दो हदीसें पहले बयान करना चाहूँगा। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सहाबिया ने कुछ सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किताब उनके हाथ में थी, पर्दे के पीछे से उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खींच लिया। हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। तो आपने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये औरत का हाथ है या मर्द का हाथ है। तो बताया, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये औरत का हाथ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत का हाथ है तो बेहतर होता कि तू मेहंदी से अपने नाखूनों को रंग लेती। इसी तरीके से एक और हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अहले जन्नत की खुशबुओं में से बेहतरीन खुशबू मेहंदी की खुशबू होगी। तो नाज़रीन, इन दोनों हदीसों से आपको मेहंदी की अहमियत का बखूबी आगा अंदाज़ा हो गया होगा। तो आज के दिन नाज़रीन, जो हमारा मतमा नज़र है वो सिर्फ़ मेहंदी के वो फ़वाद हैं जो कि बालों से मुतालिक और उसके डाई के मुतालिक हैं। इसकी जो दीगर फ़वाद हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम किसी अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, जो मेहंदी का पौधा है ये बेसिकली कदीम तरीन कॉस्मेटिक्स में से शुमार किया जाता है और ये तकरीबन 2 से 6 फुट तक बुलंद होता है। ये एक जीनस है लासोनिया, इसका वाहिद पौधा है और इसका जो बोटानिकल नेम है वो है लासोनिया इनरमिस। तो नाज़रीन, मेहंदी बेसिकली आप देख सकते हैं इसके जो दीगर अगर कॉमन नेम्स को हम देखें तो मिग्नोनेट ट्री भी कहते हैं, इजिप्शियन प्राइवेट भी कहते हैं और हिना भी कहा जाता है इसको। तो नाज़रीन, मेहंदी के पौधे से इस तरह आप देख सकते हैं कि ये पत्ते अलग किए जाते हैं और इन पत्तों को खुश्क कर लिया जाता है। खुश्क करने के बाद इनको ड्राई करके इनकी ग्राइंडिंग होती है तो इस तरह का पाउडर तैयार हो जाता है। तो नाज़रीन, उसके बाद पाउडर से पेस्ट बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट मेहंदी का, ये जो पेस्ट है ये बालों को रंगने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बालों की बेहतरीन कंडीशनिंग करता है और इसके अलावा ये बालों को घने, स्याह और चमकदार भी बनाता है। ये बालों को रंगने का बेहतरीन कुदरती ज़रिया है जो कि केमिकल फ्री है टोटली। तो नाज़रीन, इसके अलावा ये हाथों में को रंगने के लिए, नाखूनों को रंगने के लिए पूरी दुनिया में ख़वातीन इस्तेमाल की करती हैं बहुत शौक और शौक से। ख़ास तौर पर ईद के दिनों में चांद रात में ख़वातीन नित नए डिज़ाइन बनाती हैं मेहंदी के। तो मेहंदी के नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पेस्ट के अलावा ये आप कोन मेहंदी भी देख सकते हैं जो मुख्तलिफ़ मेहंदी के लीफ के एक्सट्रैक्ट से इसको तैयार किया जाता है। तो नाज़रीन, अब मैं थोड़ा सा अगर इंग्लिश में अपने नाज़रीन के लिए ब्रीफ सा रिकैप देना चाहूँगा। व्यूअर्स, इन टुडेज वीडियो आई एम स्पेशली हाईलाइटिंग द हिना प्लांट एज इट इज़ यू, एज ऑल ऑफ यू नो दैट दीज डेज रमदान इज इन द एंड, लास्ट डेज आर रिमेनिंग ऑफ रमदान एंड पीपल आर गेटिंग रेडी फॉर द ईद फेस्टिविटी। मुस्लिम थ्रू आउट द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस ईद विद स्पेशल zeal and fervor. Nazreen, we have selected today the henna plant. You can see that this is the henna plant which is about 2 to 6 meter high this belongs to genus Lawsonia, which it is the sole member of the genus Lawsonia and its botanical name is Lawsonia innermis, whereas the other names are mignonnet tree, Egyptian privy and henna. Viewers, this plant is the oldest known cosmetics in the world and it is you can see that these are the leaves of the henna plants. They are first dried and then ground into the powder, you can see, and then the paste is prepared and also the extract is used in the cones to decorate, to stain to the palms and hands throughout the world, especially the Muslim world. Women do it with very great interest, especially on Chand Raat. So viewers, I'm sure you have enjoyed today's knowledge session and
very happy Eid Mubarak before the commencement of the Eid. From our channel, from Ashraf Botanical Garden, take care of yourself and your loved ones. Keep smiling. Allah Almighty keep you happy and healthy.